हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि फ्रेंड्स कैसे आप किसी भी वीडियो को या फिर कोई मूवी की क्लिप वगैरह होती है या फिर मूवी होती है फ्रेंड्स, उन सबको कैसे आप जो है कार्टून में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इन सबको आप जो है फ्रेंड्स कार्टून में बना सकते हो, भी आप अपने मोबाइल से ये सब कर सकते हो। बहुत ही आसान है और आप आसानी से बना भी सकते हो। कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स कर क्या रहे हैं, जल्दी से जाकर फ्रेंड्स उस रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बाजू में बेल का आइकॉन उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप वो वीडियो देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद यादव और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यू ज्ञान सम्राट। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलिए, इस एप्लीकेशन का जो नाम है फ्रेंड्स, उसका नाम है फ्लिपा क्लिप। फ्रेंड्स, आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा हूं, आप वहां से क्लिक करके भी यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। तो चलिए अभी चलते अपने स्क्रीन, यहां से फ्रेंड्स हम फ्लिपा क्लिप को जो है ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहां पर फ्रेंड्स देख सकते हैं, हमने कुछ प्रोजेक्ट यहां पर बनाए थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट लेना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्लस का आइकॉन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके प्रोजेक्ट का क्या नेम देना है, आप यहाँ से जो भी है फ्रेंड्स वो नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड, लेकिन आप बैकग्राउंड को रहने दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर वीडियो इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप किस साइज़ में बनाना चाहते हो। चलिए हम यूट्यूब की साइज़ का बनाना चाहते हैं। अगर आपको करना है कुछ तो यहाँ से देख सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह के लिए भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब के लिए रहने देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप कितने FPS करना चाहते हैं फ्रेम को। तो यहाँ पर आप 30 FPS पे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 पे हम कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से ओके कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अगली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, ये देख सकते हैं कि आप ये सब फ्रेंड्स आपके टूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये सब टूल्स हैं आपके। अगर मान लीजिए ये पेंसिल पर क्लिक करते हो आप, और यहाँ पर देख सकते हैं पेंसिल का कलर है, आपको किस कलर में पेंसिल ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर आप इसकी जो साइज़ है ना फ्रेंड्स, वो सब आप घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 पे ही रखेंगे। और फ्रेंड्स, वापस यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर से देखिए रबर है, मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर भी ये टूल्स वगैरह हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कलर ऐड करने के लिए है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए मिसिप रिमूव, यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है इस तरीके से आप कर सकते हैं। सब इसके टूल्स है फ्रेंड्स, आप बारीकी से बाद में समझ सकते हो। फिलहाल तो मैं आप लोगों को इसके आगे की बात बताता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन क्या मिलता है, इसके अंदर फ्रेंड्स आप इमेज भी ऐड करके उसको ड्रॉ कर सकते हो, ऐड वीडियोस कर सकते हो, मेक ए मूवीज़ कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप मूवीज़ भी इसके अंदर बना सकते हो, वो सब भी आप बना सकते हो फ्रेंड्स। उसके लिए थोड़ा सा आपको जो ड्रॉ करने के लिए आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐड वीडियो पर क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप जो भी वीडियोस आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाली वीडियोस को, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। यहाँ से फ्रेंड्स आप इसे देखिए और भी कट कर सकते हो, जितना आपको चाहिए फ्रेंड्स उतना आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ओके करते हैं और यहाँ पर इम्पोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी वीडियो इसके अंदर जो है इम्पोर्ट हो रही है, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए इम्पोर्ट हो रही है, नीचे देख सकते हैं, तो ये 100 तक जाएगी, उसके बाद इम्पोर्ट हो जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो जो है यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी थी। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, टोटल यहाँ पर देखिए फ्रेम बन चुके हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर जो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जैसे हम क्लिक करते हैं ऊपर, यहाँ पर 180 फ्रेम मतलब बन चुके हैं। यहाँ पर देखिए एक एक पार्ट जो है ना, यहाँ पर देखिए फोटोज़ के में आपको ये कन्वर्ट हो, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि फोटोज़ को ही जोड़ के वीडियोज़ बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक एक है, जैसे जैसे मूवमेंट करें उसका उसका आपको यहाँ पर एक फोटोज़ बन गया है। बस फ्रेंड्स इसी के ऊपर आपको ड्रॉ करना, जो कि बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। तो जैसे ड्रॉ कैसे करना मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमें ये पहला देखिए यहाँ पर लिया, इस फ्रेम को हमें क्लिक कर देना है और इसके ऊपर हमें ड्रॉ करना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पेंसिल के ऊपर जो है आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रश वगैरह भी दिया हुआ, लेकिन हमें ये जो पतला वाला पेंसिल है इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कलर जो है हमारा ब्लैक है। यहाँ पर आप इस फोटो को जूम कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। जूम करने से फ्रेंड्स आप आसानी से जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि आपको इस तरह से अगर आपको फेस आपको बनाना, तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके से जो है मूवमेंट कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये जो बाकी के हैं फ्रेंड्स, आप इन्हें भर सकते हैं और इसको अच्छे से जूम करके फ्रेंड्स आप जो है अच्छे से यहाँ पर बनाइए।
बीच में ना ये लाइन छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके बता दो, नहीं तो क्या वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर जो लाल है ना, आप चाहो तो यहाँ से कलर जो क्लिक करके यहाँ पर रेड पर भी क्लिक करके यहाँ से जो है ना, ठीक है ये आप रेड कर सकते हो, ठीक है इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स आपको जो है जैसे जैसे फ्रेंड्स सब वैसे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स कैसे इसके अंदर कलर भरना है मैं आपको बता दूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया, तो अभी हमें क्या करना है वहाँ पर क्लिक करना है और देखिए एक मग यहाँ पर दिया हुआ ना पेंट का आइकॉन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर डबल टैप करना है यहाँ पर क्लिक करना है आपको। तो इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और जो भी कलर को आपको चाहिए उसके ऊपर इस तरीके से क्लिक कीजिए और वहाँ पर ही क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है जैसा जैसा है। और अभी क्या करें यहाँ पर भी आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है देखिए इस तरीके से फेस। अभी वापस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है फ्रेंड्स, हम वापस जो है इनके हाथ पे भी क्लिक कर देते हैं, तो इस तरीके से हो गया। और वापस यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, वापस इसके ऊपर अब बच्चे के फेस पर हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से और क्लिक कर देंगे उसके ऊपर। देखिए बच्चे का फेस यहाँ पर इस तरीके से हो चुका है, ठीक है। और अभी बच्चे के हाथ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। वापस क्लिक करेंगे हम वापस पेंसिल पे और यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स इनका भी कलर हो चुका है। अभी फ्रेंड्स हमें क्या करना है यहाँ पर भी क्लिक कर देते हैं हम। और अभी फ्रेंड्स अगर आपको ओठ वगैरह का कलर अगर चेंज करना तो आप यहाँ पर देखिए वापस क्लिक करेंगे पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक करके जो इनके होते हैं ये देखिए। अभी फ्रेंड्स हम इनके कपड़े का कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे वापस इस पेंसिल के ड्रॉप पर क्लिक करेंगे, कपड़े का पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए कलर कुछ इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर फ्रेंड देखिए ब्लैक यहाँ पर भी क्लिक करते हैं हम, यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। और अभी वापस एक बार हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखिए ये वाले कलर को हम इस पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम वापस जाएँगे, बच्चे का जो कपड़ा है उसके ऊपर ले लेंगे हम और उसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप जिसे भी कलर करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर छूट गया ये, इसे हम क्लिक करके और इसे यहाँ टच करते थे यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा ये। और वापस यहाँ पर क्लिक करते हैं बच्चे का तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने क्लिक किया और इसे, ठीक है चलिए मान लीजिए हमने इस तरीके से कर दिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स किस तरीके से हमने किया है ये, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा इतना बन चुका है, मान लीजिए कि हमने ये वाले फ्रेम को सेट कर दिया। अभी मान लीजिए जो सेकेंड वाला फ्रेम है वो भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। थर्ड वाला भी सेम ऐसे ही है, फोर्थ वाले में भी कुछ मूवमेंट नहीं है, तो आप इसको कॉपी कर सकते। जैसे हम अभी पहले वाले पे आ जाते, पहले पैनल पर देखिए ऊपर एक कॉपी का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, ठीक है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सेकंड पे आप आइए और यहाँ पर देखिए पेस्ट का ऊपर ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए ये भी कार्टून हो गया। इसी तरह थर्ड पर क्लिक करेंगे हम पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपको इन सब में मेहनत नहीं करनी है, बस कॉपी पेस्ट करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। अगर जहाँ तक कुछ मूवमेंट नहीं रहेगा किसी भी वीडियो में तो आप कॉपी पेस्ट यहाँ पर ला के कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने सिक्स पे भी लिया, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से फ्रेंड्स जैसे अब ये मूवमेंट हो रहा है, अब यहाँ से ये उठ रहा है, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से वापस आपको यहाँ पर क्लिक करना है और बस फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको जो है ड्रॉ करते जाना। अगर आपको पेंसिल का आइकॉन अगर मान लीजिए कि पतला लग रहा तो आप यहाँ से जो है इसे बड़ा मोटा भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है देख सकते हैं आप जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से फ्रेंड्स आप ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप जो है टाइम लगाकर अच्छे से इसे जो है बना सकते हैं, ठीक है। बस फ्रेंड्स आपको क्या करना है वापस यहाँ पर जाना है, डबल क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, पेंसिल पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर फ्रेंड्स क्लिक करना और यहाँ पर ड्रॉप पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करके इस पर क्लिक करना। देखिए यहाँ पर कलर चेंज हुआ है। इसी तरीके से फ्रेंड्स वापस पॉइंट पे जाना है, ब्लैक पर क्लिक करना, ब्लैक हो गया। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको करते जाना है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान आप इसी तरीके से जो है बना लोगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस फ्रेम पर क्लिक करना है, आगे वाले फ्रेम को इसी तरीके से फ्रेंड्स बनाते जाना। तो चलिए मैं फटाफट जैसे आप लोगों को बनाकर दिखा था फ्रेंड्स सारे फ्रेम पर आपको ऐसे ही बनाना है, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आप आसानी से जो है इसे छोटा बड़ा करके आप बना सकते हो, बहुत ईजी है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बता दें किस तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ड्राइंग करके इतना बताया। फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम कार्टून बनाना आता हो। बस फ्रेंड्स आपको फेस के सामने जैसे जैसे फेस रहेगा उसको इस तरीके से एडिट करना है। एडिट करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं कि कितने हमने बहुत ही अच्छे से इसे ड्रॉ किया।
तो फ्रेंड्स ये रही वो वीडियो कि कैसे आप किसी भी मूवी को या फिर किसी भी वीडियो को कार्टून वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान था फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी, कुछ भी सुझाव हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अगर कुछ भी कमी वगैरह रहती तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और बेहतर करने के लिए बताऊंगा। फ्रेंड्स तो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज कर क्या रहे, जल्दी से जल्दी अपने फेसबुक ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर भेजिए, ताकि फ्रेंड्स मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बना पाऊं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।